हाल में ही इंडियन गवर्नमेंट ने 14 और एप्लीकेशनों को बैन किया है, जिसमें ज्यादातर मैसेजिंग और कॉलिंग वाले एप्लीकेशन शामिल थे। इसके पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे गेम्स, लोन और रमी वाले एप्लीकेशनों को बैन किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एप्लीकेशनों पर एक्शन लिया गया। तो कौन कौन से एप्लीकेशनों को बैन किया गया और इन्हें क्यों बैन किया जा रहा है और इनसे बच कैसे सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस बैन में बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन शामिल थे जिनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर थे, जिसमें से कुछ है IMO, जिसका नाम तो आप जानते ही होंगे। जब WhatsApp नहीं था तो मैसेज और वीडियो कॉल के लिए इसका बहुत यूज किया जाता था। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे MediaFire है, या एक क्लाउड एप्लीकेशन है जिसमें एप्लीकेशनों को स्टोर किया जाता है और इसे शेयर किया जाता है। तो ऐसे ही और 14 एप्लीकेशन शामिल थे जिसका फोटो आपको दिख रहा होगा। तो इन एप्लीकेशनों को बैन क्यों किया? गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्ट 69A के तहत बैन किया जाता है। तो इन ऐपों को बैन करने का रीजन हमें बताया गया, इन एप्लीकेशनों को टेररिस्ट अपने कॉन्टैक्ट के लिए यूज कर रहे थे, तो यह हमें रीजन बताया गया। इसके पहले भी जब बैन किया गया था उनका भी बहुत सारा रीजन दिया गया कि भारत के डाटा को चाइना भेजा जाता था। तो इसी तरह इन एप्लीकेशनों को बैन किया जा रहा है, यह हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पे, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि हम सिक्योर रह सके। तो चलिए अब जानते हैं इन एप्लीकेशनों से हम बच कैसे सकते हैं। हमें जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने रहते हैं तो हमें प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहिए और ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना चाहिए। अगर हम इसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों के द्वारा अननोन सोर्स से इंस्टॉल करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी पे खतरा बढ़ता है। तो हमें सबसे पहले तो इन एप्लीकेशनों को अदर सोर्स से इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें कभी भी अपने ID पासवर्ड को किसी भी WhatsApp, Facebook ये सब में शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है कि नहीं, वो कभी भी डाटा ले सकता है और आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डाटा जाने से बैंक बैलेंस कैसे खाली हो सकता है। देखिए, जब आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत सारे एप्लीकेशनों को ले लेता है। कई लोग देखते नहीं है कि कौन से परमिशन कौन कर रहे हैं, तो ऊपर सीधे नोटिफिकेशन स्क्रीन का परमिशन दे देते हैं, जिसके कारण जो थर्ड पार्टी आदमी रहता है वो आपके बैंक के एप्लीकेशन को लॉगिन करता है, वो OTP भेजता है, उसके पास आपका परमिशन रहता ही है स्क्रीन का, तो OTP लेके आपका बैंक खाली कर देता है। तो इन सबसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ट्रस्टेड सोर्स से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सिर्फ प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए। तो इस तरह आपने देखा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों से इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। इसी तरह के और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट के न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पंचायत न्यूज को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिए, अगर आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं तो इसे फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।